आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे, तो चलिए देखते हैं आलू के पराठे बनते कैसे हैं। आलू पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए धोए हुए आलू, बारीक कटी हुई मिर्ची और कुटी हुई अदरक, अजवाइन और आके धनिए, हरा धनिया और ये मसाले, गेहूं का आटा। अब हम एक कुकर में पानी गरम कर लेंगे। हमारा पानी गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे धोए हुए आलू। अब हम आलू को 4 सीटी तक उबाल लेंगे। अब हम आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। हमने आटे को अच्छी तरीके से गूंद लिया है। हमारे आलू अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। हम इनको अच्छी तरीके से छील लेंगे। हमने आलू को अच्छी तरीके से छील लिया है। अब हम आलू को अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। हमको इसी तरीके से सभी आलू को मैश कर देना है, यानी इसको अच्छी तरीके से मसल देना है। हमने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन और आके धनिए, हरी मिर्च और अदरक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच जीरा, हरा धनिया। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसके लोए बनाएंगे। और इसको अच्छी तरीके से बेल देंगे। अब हम इसमें मसाला भर देंगे और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। अब हम इसको बेल देंगे। अब हम इसको गरम तवे पर सेक लेंगे। अब हम इसके दोनों तरफ घी लगाएंगे और इसको सेक लेंगे। हमें इसी तरीके से सारे आलू पराठे सेक लेने हैं। हमारे आलू के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।